वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए बिट क्वेश्चन का अगला वीडियो जो आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट से है उसमें एमसीक्यूज हैं, चलिए उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे और होप आप यानी कि आशा है कि आप लोग तैयारी सही से कर रहे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को किल करते हुए। सबसे पहला यह एसएम का पार्ट क्या है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का पार्ट क्या है, एमसीक्यू है। सबसे फर्स्ट है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग होता क्या है, सिंपल सी बात है, आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना चाहोगे तो आपके पास कंपटीशन भी है, तो आपसे ज्यादा जिसने मार्केट कैप्चर किया हुआ है सेम प्रोडक्ट है, सिमिलर प्रोडक्ट होने चाहिए। ये नहीं कि आपका प्रोडक्ट अलग है और बेंचमार्किंग किसी दूसरे प्रोडक्ट से कर रहे हैं, नहीं। अगर आप जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसके साथ में अगर उसी टाइप का सिमिलर प्रोडक्ट जो आपका कॉम्पिटिटर है अगर उसका ब्रांड अच्छा है तो उसके ब्रांडिंग यानी कि अपने प्रोडक्ट को हायर ब्रांड तक पहुंचाने के लिए जो आप प्रोसेस इन्वॉल्व करते हो, यानी एक तरीके से बेंचमार्किंग टूल्स है कि आपका प्रोडक्ट और जो मार्केट में हायर लेवल पे वह प्रोडक्ट है उसके बीच में हमारा क्या रीजन है कि हम उसके पास नहीं पहुंच रहे हैं। तो अगर इस प्रोसेस को अगर मैं करता हूं, इसको मैं एनालाइज करता हूं, कंपेयर करता हूं, तो कहा जाता है बेंचमार्किंग एक टूल्स है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने के लिए जो हायर ब्रांड के साथ कंपेयर करेंगे और उस पर पता लगाएंगे, एनालाइज करेंगे क्यों मेरा क्या कारण है कि मेरा प्रोडक्ट का उतना मार्केट डिमांड नहीं है या हमारा क्या रीजन है कि उसके कारण हमारा प्रोडक्ट में यह डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं जरा। एनालिटिकल टूल्स आइडेंटिफाई हाई कॉस्ट एक्टिविटीज बेस्ट पैरेटो एनालिसिस। पैरेटो एनालिसिस तो होगा नहीं यहाँ पे। द सर्च ऑफ द इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस टू लीड सुपीरियर परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बात है, आप सुपीरियर परफॉर्मेंस की जो आपके आपसे अच्छी कंपनी है जो ब्रांडिंग कर रहा है जिसका प्रोडक्ट ब्रांडिंग है उसकी परफॉर्मेंस से आप इंडस्ट्री में आप बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करोगे, इसके लिए जो टूल्स है दैट इज अ बेंचमार्किंग। बी ऑप्शन होगा इसका, इसका आंसर बी है। सी देख सकते हो, डी देख सकते हो, मार्केटिंग से रिलेटेड है, सिमुलेशन कॉस्ट रिडक्शन स्कीम या बेंचमार्किंग का पार्ट नहीं है। फ्रेमवर्क ऑफ द अर्निंग और ईयर मार्क ऑफ द लिंकेज एंड सप्लाई इन कस्टमर दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बेंचमार्क। क्वेश्चन नंबर टू, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अलाउ टू द कंपनी। आप सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कंपनी को अलाउ करता है क्या, कंपनी को अलाउ करता है, आप क्या करोगे, जो बायर है आपका उसकी लॉयल्टी कैसे गेन करोगे, क्योंकि हमारे पास अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करना है तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए लॉयल होना चाहिए। जैसे ही कोई देखते हो एप्पल अगर कोई भी प्रोडक्ट अपना लॉन्च करता है तो कस्टमर जो उसके कस्टमर हैं वो क्या होते हैं, लॉयल होते हैं उसके तरफ, तो प्रोडक्ट को ब्रांड कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह का हम स्ट्रेटजी जो बनाते हैं जो सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में कंपनी को अलाउ करता है कि बायर की लॉयल्टी गेन करें और अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करें, दैट इज द ए ऑप्शन इसका है। क्वेश्चन नंबर थ्री, एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ बीपीआर बिजनेस री इंजीनियरिंग प्रोसेस। बिजनेस री इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या कैसे होता है, अगर हमारे पास कोई भी बिजनेस है उसको हमें बिल्कुल चेंज करना है, ड्रास्टिक चेंज करना है, बिल्कुल चेंज कर देना है, जो हमारा पैटर्न है उससे बिल्कुल हटा देना है, तो मुझे रीथिंक करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा, और किसके लिए, बिजनेस प्रोसेस के, बिजनेस प्रोसेस जो हमारा है उसको हमें क्या करेंगे, रीथिंक करेंगे, रीडिजाइन करेंगे टू अचीव द
ड्रास्टिक चेंज, ड्रामेटिकल रिजल्ट हमें चाहिए, दैट इज द बीपीआर। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट प्रोसेस यह नहीं है, प्लानिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी प्रोसेस नहीं है, फंडामेंटल ऑफ रीथिंकिंग एंड रेडिकल डिजाइन ऑफ द बिजनेस प्रोसेस टू अचीव द ड्रामेटिक चेंज, ड्रास्टिक चेंज करना है, दैट इज द इसका सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या कहता है? अब देखोगे क्या चीज है हमारे पास। सबसे पहला है एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्सिबल मैनर टू इट्स एम्प्लॉई, कॉम्बिनेशन एन ए एंड बी, डी इज डीपर लेवल ऑफ बेसिक एजम्पशन, deeper level of basic assumptions and beliefs that are shared by the member of the firm। organization culture kya hona chahiye, deeper level tak, yani d option yahan pe hai, deeper level of basic assumption and beliefs are shared by the member of the firm। jo firm ke members hain, firm ke members kaun kaun se, employee bhi aapke members hi hain, आप उसको नहीं इग्नोर कर सकते। फर्म के जितने भी मेंबर्स हैं उनको, उनकी जो एजम्पशंस, उसकी उनकी जो बिलीफ्स है उसको शेयर अगर की जाती है, उसके बारे में डीपर लेवल पे देखना होगा, दैट इज द डी ऑप्शन, फोर का डी ऑप्शन है। फाइव, इनोवेशन स्ट्रेटजी। इनोवेशन मतलब नया लाना, इनोवेशन का मतलब नया लाना। आप अपने बिजनेस में एक स्ट्रेटजी लानी है इनोवेशन का। इनोवेशन कैसे करोगे? देखते हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट सर्वे कराती है, सर्वे कराने के बाद कस्टमर्स का जो डिमांड होता है उस डिमांड को हम क्या करते हैं, उस डिमांड को हम पता लगाते हैं कि उन कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है। तो कस्टमर जब क्या चाहेगा, नयापन चाहेगा, तो आपको इनोवेट करना पड़ेगा। देखो मोबाइल आया था, पहले तो मोबाइल था, देखो कैसे कैसे इनोवेशन हुआ है। पहले जब मोबाइल आया था बहुत बड़ा एंटीना वाला था, तो लोगों को कहा लगा कि नहीं एंटीना नहीं होता तो मेरा बड़ा आसान हो जाता, चलो भाई एक छोटी सी इस तरह का इतना बड़ा एंटीना आता था। उससे पहले सीमेंस का जो मोबाइल था उसमें बड़ा सा ऐसे लंबा खींचा जाता था एंटीना, उसके बाद एंटीना छोटा हुआ, रिड्यूस हुआ, फिर उसके बाद एंटीना खत्म हुआ। जो नोकिया का जो सबसे पहला मोबाइल आया था वो नोकिया 3310 था शायद, तो वो क्या हुआ, वो हमारा बिना एंटीना का आया। तो लोगों ने जैसे जैसे उनकी जरूरतें महसूस किया उसके अनुसार कस्टमर की डिमांड हुई और उसी के अकॉर्डिंगली इनोवेशन हुआ। इनोवेशन स्ट्रेटजी, डिफेंसिव स्ट्रेटजी, दिस इज नॉट ए डिफेंसिव स्ट्रेटजी, दिस इज नॉट ए ऑफेंसिव स्ट्रेटजी, रेस्पॉन्डिंग द एंटीसिपेटिंग कस्टमर एंड मार्केट डिमांड। बिल्कुल हमारे पास जो भी कस्टमर का डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए चलेंगे, दिस इज द सी ऑप्शन। सिक्स क्वेश्चन, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, कंपनी क्या स्ट्रेटजी तैयार करेगी मेनली, क्या कॉरपोरेट स्ट्रेटजी क्या कहता है। अगर कोई भी हमारे पास स्ट्रेटजी बनाई जा रही है तो सबसे पहले कोर्स ऑफ एक्शन देखना पड़ेगा ना, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, इन सभी के आधार पर कॉरपोरेट स्ट्रेटजी बनाई जाती है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज ए कोर्स ऑफ एक्शन और ए चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है, चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स अकॉर्डिंग टू अवेलेबल स्कार्स रिसोर्सेस। आपके पास जो स्कार्स रिसोर्सेस है उसकी अवेलेबिलिटी के आधार पर देखते हैं। लिस्ट ऑफ एक्शन, ऑपरेशनल प्लानिंग स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम, दिस इज नॉट ए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। स्टेटमेंट ऑफ हाउ द कंप्लीट डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ एंड मेथड ऑफ एसेसिंग द एनवायरमेंट, अबेटमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड एलोकेशन रिसोर्सेज, ए कोर्स ऑफ एक्शन एंड चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव स्पेसिफाइंग द रिक्वायर्ड अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। क्योंकि कॉर्पोरेट में हमारे पास ऑब्जेक्टिव डिफाइन होगा, मिशन विजन ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं होता, मिशन विजन ऑब्जेक्टिव, जब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वही फुलफिल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्कार्स रिसोर्सेज।
तो हमारे पास यहां डी ऑप्शन होगा, सिक्स का डी। सेवन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट SBU, SUB लिख दिया है, SBU होना चाहिए। स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट इज डिफाइंड एट द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि देखते हो अगर मैं ITC की बात करूं तो ITC कंपनी में भी क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, सबके अलग अलग यूनिट्स हैं। उसके अलावा और भी देखो, आप नेस्ले देखो ना, नेस्ले में फूड प्रोडक्ट अलग हो गया, बहुत सारी चीजें अलग हो गई, ITC का कॉस्मेटिक्स अलग हो गया, ITC का होटल इंडस्ट्रीज अलग हो गया, दे आर द सब डिविजन्स। क्यों करता है ऐसा, तो मेन कारण क्या है इसका, क्यों ऐसा डिफाइन किया जा रहा है, क्योंकि यहां पे हम बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, जो मैनेजर होगा बेटर कंट्रोल कर सकता है। अगर ITC का एक ही सेंट्रलाइज होता और सभी को वह देखना शुरू होता तो उस केसेस में बेटर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जैसे ITC होटल है, होटल इंडस्ट्रीज को अलग देखने वाला हो गया, हमारा FMCG को देखने वाला अलग हो गया इन यूनिट्स, तो ये सारी चीज हमारे पास क्या हो गया, दे आर द यूनिट्स अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया, डिवीजन हो गया, और सबका मैनेजर अलग अलग हो गया, बेटर कंट्रोल होगा और सभी रिपोर्ट करेंगे एक फाइनली सेंट्रल को, तो ये इस बेटर कंट्रोल के लिए होता है। देखते क्या कहता है, दैट हेल्प्स द मार्केटिंग ऑपरेशन, नॉट मार्केटिंग ऑपरेशन, नॉट ओनली मार्केटिंग ऑपरेशन, इट इनेबल्स द मैनेजर टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, बिल्कुल बी ऑप्शन होना चाहिए इसका। देख लेते हैं CDE क्या कहते हैं, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ, हेल्प द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, दैट हेल्प द आइडेंटिफाई द टैलेंट एंड पोटेंशियल पीपल, नॉट, दिस इज एनेबल द मैनेजर्स टू हैव बेटर कंट्रोल, यानी बी ऑप्शन सेवन का। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है, इंडियन एयरलाइंस डिक्रीजिंग द एयरफेयर ऑन दिल्ली मुंबई सेक्टर फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ नो फ्रिल्स एयरलाइंस, नो फ्रिल एयरलाइंस, नो फ्रिल्स एयरलाइंस वुड बी द एग्जाम्पल ऑफ, तो हमारे पास क्या कहता है, इंडियन एयरलाइंस डिक्रीजिंग द एयरफेयर, एयरफेयर को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एयरफेयर को डिक्रीज कर रहा है, कहां से, दिल्ली से मुंबई, क्या कर रहा है, क्यों डिक्रीज कर रहा है भाई, अगर वो कॉस्ट कट कर रहा है क्या, कॉस्ट लीडरशिप है, कॉस्ट लीडरशिप नहीं हो सकता है, प्राइस लीडरशिप ये हो सकता है, क्योंकि प्राइस वो फिक्स तय कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंगली वह प्राइस तय कर रहा होगा, तभी प्राइस लीडरशिप होगा। प्रोडक्ट डिफरेंसेस, नॉट ए प्रोडक्ट डिफरेंसेशन फोकस, मार्केट रिटेंशन, मार्केट रिटेंशन मीनिंग, यहां पे इंडियन एयरलाइंस क्या है, वह प्राइस लीडर है, वही हमारे पास प्राइस तय करता है, उसी के अकॉर्डिंगली करता है, बाकी लोग भी उसी को देखते हुए चेंज करते हैं, दैट इज द प्राइस लीडर, यहां पे बी ऑप्शन होगा, एट का बी ऑप्शन। नाइन, BCG, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, BCG मैट्रिक्स की बात है, क्वेश्चन मार्क इन BCG मैट्रिक्स इन एन इन्वेस्टमेंट, इन एन इन्वेस्टमेंट, ध्यान देना, BCG मैट्रिक्स बेसिकली डिपेंड करता है रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ के बारे में बताता है। तो BCG ने प्रोडक्ट के बारे में चार तरह का प्रोडक्ट, उन्होंने प्रोडक्ट को चार पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है क्वेश्चन मार्क होता है, एक स्टार होता है और एक डॉग्स होता है और एक दूसरा कैश, चौथा होता है कैश काउ, चार तरह के प्रोडक्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कौन होगा, क्या वह प्रोडक्ट लॉन्च मैं करूं तो मेरा वह सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो इंट्रोडक्शन फेज पे
जो इंट्रोडक्शन फेज पे प्रोडक्ट होता है ऑलवेज वह क्वेश्चन मार्क होता है। उस क्वेश्चन मार्क में क्या होता है उसका, वह ग्रोथ करने का फ्यूचर अच्छा होता है, मार्केट ग्रोथ कर सकता है, लेकिन मार्केट शेयर कम होता है उसका इनिशियली फेज में। स्टार हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ होता है। डॉक्स लो मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ होता है। कैश काउ हाई मार्केट शेयर है लेकिन लो ग्रोथ होता है। तो इस तरह का हमारे पास चार है, लेकिन क्वेश्चन मार्क इनिशियल फेज में है तो क्या करेगा। इनिशियली तो क्या होगा, वहां पे ग्रोथ क्या है हमारे पास, कम है, लेकिन वह आगे फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है। मार्केट शेयर इन शुरुआती कम होती है, ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन ग्रोथ हाई हो सकता है। यील्ड द लो करंट इनकम, अभी करंट इनकम लो है लेकिन हैज फ्यूचर ब्राइट ग्रोथ एस्पेक्ट। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है। हमने क्या बताया, क्वेश्चन मार्क, लो मार्केट शेयर, हाई ग्रोथ रेट हो सकता है फ्यूचर में। हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ, स्टार प्रोडक्ट होता है। लो मार्केट शेयर, लो ग्रोथ रेट हुआ हमारा, दैट इज द डॉग्स, एंड हाई मार्केट शेयर एंड लो ग्रोथ रेट है, दैट इज द कैश काउ। पैसा आ रहा है, मार्केट शेयर ज्यादा है लेकिन ग्रोथ रेट कम है, लेकिन कैश काउ होता है। कैश काउ इज हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट को छोड़ना है हमें, जो डॉग्स प्रोडक्ट है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लो लो मार्केट शेयर है और लो हमारा क्या हो जाए है, ग्रोथ रेट है। तो उसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट और चलता चला जाएगा और मेरा को मिलेगा कुछ नहीं। तो इस तरह के प्रोडक्ट को यहां डिफरेंशिएट की जाती है, किसमें, बीसीजी मैट्रिक्स में। तो इसका तो पहला ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर एन इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर के हिसाब से क्या होता है, विजन इज बिफोर मिशन, मिशन इज बिफोर विजन, बोथ डेवलप साइमल्टेनियसली, विजन और मिशन आर मोर इंपॉर्टेंट यूज, प्रॉफिटेबिलिटी इज मोस्ट क्रूशियल। ऑब्वियसली विजन इज योर ड्रीमिंग एंड विजन इज योर ड्रीमिंग एस्पेक्ट्स एंड मिशन इज योर फुलफिल योर ड्रीमिंग एस्पेक्ट्स। तो पहले आप सपने तो देखोगे ना, तब वो सपने पूरे करने की बात करोगे। तो व्हाट इज योर ड्रीम्स, दैट इज अ विजन, विजन इज बिफोर मिशन। तो ए होगा, किसी भी इंटरप्रेन्योर का सबसे पहले विजन क्या है और उस विजन के अकॉर्डिंगली मिशन तैयार होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, टिपिकल प्रॉफिट आर हाइएस्ट एट द स्टेज ऑफ लाइफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। किसी भी इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल में हाइएस्ट प्रॉफिट कहां पे होता है, इंट्रोडक्शन फेज पे तो कभी भी हाइएस्ट प्रॉफिट नहीं होता, डिक्लाइनिंग भी नहीं हो वहां से तो घटना शुरू हो जाता है प्रॉफिट, बचा ग्रोथ और मैच्योरिटी। देखो ग्रोथ के लास्ट फेज पे जहां ग्रोथ का होगा, ग्रोथ में प्रॉफिटेबिलिटी आती है अधिक, और मैच्योरिटी फेज में क्या होता है, वो रिटेंशन होता है और फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग शुरू हो जाता है, मैच्योरिटी के बाद तुरंत डिक्लाइनिंग शुरू होता है, इसलिए ग्रोथ फेज में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट अर्न करता है। तो यहां ग्रोथ फेज होता है, बी 11 का बी है। BCG मैट्रिक्स ग्रोथ मैट्रिक्स इज बेस्ड इन टू डायमेंशन, अभी मैंने बताया रिलेटिव मार्केट शेयर एंड ग्रोथ रेट, मार्केट ग्रोथ रेट क्या है उसी के अनुसार बी ऑप्शन है। सिंपल देखो, बी ऑप्शन डायरेक्टली है। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेटजी ऑफ द रिलायंस ग्रुप इन इंडिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। देखो वो डाइवर्सिफिकेशन करता है, स्ट्रेटजी है, डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ड्राइवर बिजनेस। तो मार्केट डेवलपमेंट, प्राइस ट्रांसफर, कंक्रेटिव कंसेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन, नहीं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन होगा इसका, दैट इज 13 का ए।
क्वेश्चन नंबर 14. फॉर एन एक्टर इन बॉलीवुड हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वुड बी ए एंड क्या होगा? एसेट्स, स्ट्रेटेजिक एसेट्स, कोर कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटीज. अब देखो, बॉलीवुड का कोई भी एक्टर हो, उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस क्या होगा? सबसे पहले ध्यान देना कि अगर बॉलीवुड का कोई भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को रिटेन करने के लिए उसे और मेहनत करना पड़ता है. अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, मान लो कि अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, तो अपने आप को उस परफॉर्मेंस की आउटस्टैंडिंग बनाए रखने के लिए जो और भी मेहनत करनी पड़ेगी. दैट इज द कोर कॉम्पिटेंसी. क्योंकि आपके मार्केट में कॉम्पिटेंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है. दिस इज द कोर कॉम्पिटेंसी. सी ऑप्शन होगा इसका. अगर वही मान लो कि कोई भी बॉलीवुड एक्ट्रेस का फेस बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है वो, तो क्या होगा? तो उसके लिए वह स्ट्रेटेजिक एसेट्स हो जाएगा. अगर वह अपनी परफॉर्मेंस बना अच्छा कर ले, तो साथ में उसकी सुंदरता और चांद चार चांद लगा देंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका वह स्ट्रेटेजिक एसेट्स बन जाएगा. दोनों में अंतर यहां पे है. यहां पे किसी भी एक्टर का बेस्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, एंड बेस्ट परफॉर्मेंस विल बी रिटेन. आपको परफॉर्मेंस रिटेन करने हैं तो आपको मेहनत करने पड़ेंगे. आपके साथ कॉम्पिटेंट हैं, आपको कंपटीशन में है, तो कंपटीशन में आप उस पोजीशन पे बनाए रखने के लिए आप क्या करोगे? दैट इज द और मेहनत करना पड़ेगा. दिस इज द पार्ट ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसी. क्वेश्चन नंबर 15. कैश काउ. अभी बताया मैंने कैश काउ के बारे में. कैश काउ हाई मार्केट शेयर होता है. हाई मार्केट शेयर, लो ग्रोथ एंड लार्ज कैश आता है उसका. लार्ज पॉजिटिव कैश आता है, यानी सी ऑप्शन आता है. देखो इसका, हाई शेयर, मार्केट में शेयर हाई होगा, ग्रोथ रेट कम होगा, लेकिन कैश आता रहेगा. दैट इज अ कैश काउ. क्वेश्चन नंबर 16. एन ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर्स इट्स सप्लायर. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना सप्लायर से कुछ एक्वायर करता है. देखो यहां पे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, डाउनस्ट्रीम वर्टिकल स्ट्रीम इंटीग्रेशन. तो सबसे पहली बात है, वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है. अब वर्टिकल इंटीग्रेशन में अमाउंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन है. तो इसमें दो पार्ट हो गए, एक पार्ट प्रोडक्शन होने से पहले वाला पार्ट और दूसरा प्रोडक्शन के होने के बाद. तो प्रोडक्शन से पहले का पार्ट हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहा जाता है, और हमारा बाद होने वाला है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हम रॉ मटेरियल वगैरह सप्लायर से कहां से कैसे आएगा, दैट इज द फॉरवर्ड बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन. एंड जब बनाने के बाद मैं सेल कहां करूंगा, कैसे करूंगा, इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता करूंगा, दैट इज द फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन. तो यहां पे सप्लायर की बात कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर्स द सप्लायर, सप्लायर से कुछ एक्वायर करेगा तो क्या होगा हमारे पास? दैट इज द बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन. सी ऑप्शन. सेवेंटीन. डेल्फी टेक्निक. देखो डेल्फी टेक्निक है क्या, यहां दे दिया. डेल्फी टेक्निक इज यूज्ड इन फोरकास्टिंग. बेसिकली इट इज यूज्ड इन फोरकास्टिंग. अब कैसे फोरकास्टिंग में इसको यूज होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है.
वो सारे एक्सपर्ट अपने अपने एरियाज के बारे में वो क्या करते हैं, राय देते हैं, कंसेंसस होता है, कंसेंसस होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपना फोरकास्ट करते हैं, दैट इज द डेल्फी मेथड। चलिए डेल्फी मेथड का ऑप्शन क्या कहता है, एन अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ द पर्टिकुलर गोल माइट बी रीच, यह नहीं है। इट इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सिस्टमेटिक रिफाइंड कंसेंसस फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द एक्सपर्ट। बिल्कुल यह एक मेथड है, किसका, फॉरकास्टिंग मेथड का। दिस इज द हमारे पास बी ऑप्शन होगा इसका, दिस इज द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज बेसिक टास्क, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या टास्क होगा, मॉनिटर द प्लान्स एंड प्रोग्राम ऑफ द प्रोडक्शन, सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं देखेगा, टू डिजाइन द कोर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ब्रांड बनाने के लिए और कंपीट करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन बनाएगा, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक प्लान करेंगे, अपॉइंटमेंट होगा टॉप मैनेजमेंट का, यह काम होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, यानी इसका हमारे पास बी ऑप्शन, 18 का बी ऑप्शन। मैकिन्से सेवन फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ, मैकिन्से का 7S होता है, 7S क्या है, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, स्टाफ, स्किल, सिस्टम, स्टाइल, शेयर वैल्यूड, ये हमारे पास 7 है, 7S है, 7S क्या है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी क्या है, उसके स्टाफ कौन कौन से इन्वॉल्व है, वहां पे स्किल क्या है उस चीज का, सिस्टम हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम क्या है, शेयर वैल्यूड क्या है, और हमारे पास स्टाइल क्या है वर्किंग का, दे आर द पार्ट ऑफ द 7 मैकिन्से एस। जब हम इंप्लीमेंटेशन के बारे में सोचते हैं तो मैकिन्से 7S को एनालाइज करता है, दैट इज द स्ट्रक्चर स्टडी सॉफ्टवेयर, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी सिस्टम स्किल स्टाइल सिंडिकेशन, सिंडिकेशन नहीं है, स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी सिस्टम स्किल स्टीयरिंग पावर, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द दिस, स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी स्टाफ स्किल सिस्टम शेयर्ड वैल्यू स्टाइल, डी ऑप्शन, 7 मैकिन्से एस, 7S मैकिन्से का वह है। क्वेश्चन नंबर 20, What are the enduring statement of person that distinguish one business from other similar firm? क्या कहता है? What are the enduring statement? Why statement जो किसी भी business को दूसरे business से अलग बनाता है? कोई भी बिजनेस कर रहा है वो, उसका कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो उस दूसरे से बिजनेस बनाता है, दिस इज कॉल्ड मिशन स्टेटमेंट। क्या कहेंगे हम? मिशन स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट जो किसी भी बिजनेस का किसी दूसरे बिजनेस से वो डिस्टिंग्विश कर देता है। जूता में आप नाइकी ही पहनते हो, जानते हो नाइकी का क्या था, नाइकी क्या कह रहा था कि वो सिर्फ पहले स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जूता बनाता था, स्पोर्ट्स पर्सन, तो उसका स्टेटमेंट क्या आया, ऑल पर्सन्स आर स्पोर्ट्स पर्सन, तो सभी को बेच दिया उसने, नाइकी जूता आज सबको ही खरीद रहे हैं, दैट इज द मिशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन बी का 20 का बी पार्ट है, बी आंसर है। 21, आउटसोर्सिंग बाहर भेजना, स्पिनिंग ऑफ द वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी टू क्रिएट न्यू फर्म, दिस इज नॉट ए आउटसोर्सिंग, सेलिंग द वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटी टू द अदर फर्म, दैट इज नॉट ए आउटसोर्सिंग, परचेज अ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द एक्सटर्नल सप्लायर, यानी हमारे पास यूज कंप्यूटर टू द वैल्यू क्रिएटिंग, नहीं,
सो यानी किसी भी एक्सटर्नल सप्लायर से अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं। आज आउटसोर्सिंग मैंने जो काम मैं अभी यहाँ पे जिस मैं जो वह काम करूँगा तो मेरा कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ अपनी आउटसोर्सिंग को दे दिया। आउटसोर्सिंग क्या किया उसको हमें कम रेट पे हमें मिल गया तो हमें क्या करना है हमें आउटसोर्सिंग करेंगे। दैट इज द परचेज ऑफ वैल्यू क्रिएटिव एक्टिविटीज फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर। आप परचेज करते हो दैट इज द आउटसोर्सिंग सी ऑप्शन। फॉर एन एक्ट्रेस इन बॉलीवुड हर प्रिटी फेस वुड बी एन। चलो देखो आगे यहां पे कोई भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस जिसका फेस बहुत सुंदर है एसेट्स है स्ट्रेटजिक एसेट्स है दिस इज हमने बता दिया था दिस इज अ स्ट्रेटजिक एसेट्स। क्यों? क्योंकि अच्छे परफॉर्मेंस कोर कॉम्पिटेंसी और साथ में उसकी जो सुंदरता है वह उसके लिए एसेट्स होगा और उसको और ब्रांडिंग कर सकता है। दैट इज अ स्ट्रेटजिक एसेट्स 22 का बी 23 स्ट्रेटजिक एनालिसिस कंसर्न विद स्टेटिंग द पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स मिशन चॉइस ऑफ मार्केट सेगमेंट प्रोडक्ट सेलेक्शन दिस इज नॉट ए स्ट्रेटजिक एनालिसिस मिशन गोल्स कॉर्पोरेट अप्रेचल पोजिशन ऑडिट एंड गैप एनालिसिस मिशन गोल मिशन अलग होगा गोल्स अलग होंगे तो सी ऑप्शन नहीं होगा ए ऑप्शन नहीं होगा। मिशन टारगेटेड आरओआई दिस इज नॉट ए मिशन मिशन शॉर्ट एनालिसिस डायरेक्टली हम शॉर्ट एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमारे पास बी ऑप्शन है मिशन गोल्स दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कॉर्पोरेट अप्रेचल पोजिशन ऑफ ऑडिट जब हम उसको एनालाइज करेंगे एंड देन जो गैप होगा उसको एनालाइज की जाएगी। दैट इज द स्ट्रेटजिक एनालिसिस कंसर्न करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बी पार्ट है कहता है कि ये चीज इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं स्ट्रेटजी को यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 स्ट्रेटजिक चॉइस मेक्स द स्टेटमेंट स्ट्रेटजिक चॉइस मेक्स द स्टेटमेंट अबाउट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एज वेल एज बिजनेस स्ट्रेटजी। देखो बिजनेस स्ट्रेटजी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कंपनी कॉर्पोरेट पूरी कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेट का होगा और बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है कुछ का और भी डिविजन्स हो तो यहां ध्यान रखना है कि अगर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कोई भी बनाई जा रही हो सभी बिजनेस यूनिट पे भी लागू होंगे। इट मीन्स बिजनेस यूनिट अपना तो करेगा ही करेगा लेकिन कॉर्पोरेट जो स्ट्रेटजी होगा वह सभी के लिए लागू होता है तो दे आर वन एंड द सेम ए ऑप्शन होगा दे आर वन एंड द सेम ए ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे वेरी फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव लेवल। बिल्कुल पैसिव टू एक्टिव लेवल इफ मे पार्टिसिपेट इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एक्टिविटीज कई एक एक्टिविटीज में होगा स्टेट वन और मोर अप्रोप्रिएट एंड जुडिशियस मिक्स मिक्स क्या होना चाहिए क्या कंपनी का मिशन विजन ऑब्जेक्टिव को ही देखेगा या कोई जरूरी नहीं है कि मिशन विजन ऑब्जेक्टिव ही देखेगा स्ट्रेटजी ही देखेगा बहुत सारी चीजें देख सकता है कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर R&D कैसा हो रहा है फॉरेन कोलैबोरेशन क्या है लिंकेज क्या हो रहा है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हमारे लिए हैं इन सभी पे भी वह ध्यान रखता है। कैपिटल बजटिंग दैट इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल एंड ओवरसीज द इट ट्राइज द इंश्योर द कंपनी रिमेन्स अलाइंड एंड चेंज इन द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अलग चीज है यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड देखना है ओवरसीज इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी मेनली यहाँ पे इट अप्रूव इशूज क्या करता है वो अप्रूव करेगा इशूज लाइक R&D हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए फॉरेन कोलैबोरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो लिंकेज देखना पड़ता है क्या मेरा स्ट्रेटजी मेरे स्ट्रक्चर को सही मेरे स्ट्रक्चर जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उस बिजनेस स्ट्रक्चर में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है या हमारा देखते हैं कि अगर हमारा
मैं तो हमें अगर नहीं फिट बैठ रहा है तो मुझे या तो स्ट्रक्चर में चेंज करें या स्ट्रेटजी में चेंज करें, दैट इज द लिंकेज पार्ट होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उसको करता है, यानी बी ऑप्शन होगा 25 का बी। यहां तक हम लोगों ने 25 तक हम लोगों ने एमसीक्यू स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का किया, बाकी हम इसका नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ओके, आप लोग को थैंक यू, आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।